हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एच के एन आई ओ एस इन्फॉर्मेशन चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एन आई ओ एस इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसका कोड 202 है। सॉल्ट टी एम ए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे आप लोग ट्यूटर मार्क असाइनमेंट भी बोलते हो। आज की जो टी एम ए वाली वीडियो है, अक्टूबर 2024 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैम किस तरीके की फाइल्स में हमें अपने टी एम ए बनाने चाहिए? तो आपको A4 साइज़ के पेजेस में आपको आपके टी एम ए बनाने रहते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, मैम इंग्लिश सब्जेक्ट का जो टी एम ए है कितने मार्क्स का है? तो 20 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश का टी एम ए रहता है। अब आपको सबमिट करवाने क्यों ज़रूरी हैं? तो आपके जो मार्क्स परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ करने में ये काफ़ी हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपको आपके टी एम ए सबमिट करवाने ज़रूरी रहते हैं। यहाँ पे टोटली 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में फुल्ली सॉल्व दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से बना के फुल टू फुल मार्क्स लेकर के आ पाओ। जैसे जैसे बताऊँगी, अगर वैसे ही अगर आप लोग बनाते हो तो आपके फुल टू फुल मार्क्स आने पक्के हैं। क्वेश्चन जो है आपको हमेशा ब्लैक पेन से लिखना रहेगा, आंसर के लिए आपको हमेशा ब्लू पेन यूज़ करना है। दूसरी बात, जो बच्चे वीडियो को स्किप करके देखते हैं उन्हें नॉलेज नहीं मिलेगी, जो विदाउट स्किप किए देखेंगे उन्हें ही पूरी नॉलेज मिलेगी, उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखना है आपको। अब जैसे कि इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई है, अगर इसके बाद अगर आप लोग सबमिट करोगे तो पर सब्जेक्ट आपके 1500 रुपीज़ लेट फीस लगेगी। तो सभी स्टूडेंट्स कोशिश करो कि आप लोग 31 जुलाई से पहले पहले अपने टी एम ए जो है सबमिट करवा दो। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 का जो बी, यहाँ पे मैंने आंसर सॉल्व करके आपको दिया है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि मैम टी एम ए के क्वेश्चन पेपर में ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, लेकिन आपने सिर्फ बी ही क्यों किया? तो यहाँ पे कोई एक करना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने बी ऑप्शन किया है। जैसे दिया है सेम एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, अदरवाइज़ कोई इसमें चेंजेस जो है आपके नहीं होंगे। ठीक है, जैसे दिया है सेम एज इट इज़, बस आप लोग कॉपी करते हुए चलोगे। आई होप हमारी अभी तक की जितनी वीडियोज़ आई हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होंगी। चैनल पे नए हो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी और भी वीडियोज़ आपके लिए आने वाली है हमारे चैनल पे, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प जो है आपको मिलने वाली है। जो बच्चे सॉल्ट टी एम ए की पीडीएफ वगैरह चाहते कि नहीं हमें सॉल्ट टी एम ए की पीडीएफ मिल जाए, हम वहीं से देख के लिखेंगे, वीडियो से देख करके हमें नहीं बनाना। तो आप नॉमिनल सी फीस को पे करके जो है हमसे ये पीडीएफ ले करके खुद से भी अपने टी एम ए रेडी करवा सकते हो। ठीक है, रेडी कर सकते हो। और जिन बच्चों को लिखना नहीं है, नहीं हमें लिखना ही नहीं है, हमें लिखना पसंद नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग हैंड रिटन टी एम ए जो है हमसे बने बनाए ले करके भी आप सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, ये हर सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो है 6 मार्क्स जो है कट होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रख के आप लोग बनाए, ताकि किसी भी सिंगल मार्क्स भी आपका कट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो बच्चे क्या करते हैं शॉर्टकट तरीका यूज़ करते हैं इसे लिखने का। तो जो स्टूडेंट्स शॉर्टकट यूज़ करते हैं उनके मार्क्स कट होंगे, इसलिए ध्यान रख के आपको आपके टी एम ए जो है बनाने हैं। अब जहाँ जहाँ पे आपको बोल्ट की हुई चीज़ें आएंगी उसे क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से लिखना है। विदाउट बोल्ट की हुई चीज़ें जितनी लिखी हैं आपको ब्लू पेन से लिखनी है। आई होप अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जो बच्चे जॉब के साथ अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता अच्छे तरीके से असाइनमेंट बना करके सबमिट करें, तो आप हमारे हैंड रिटन टी एम ए सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हमारे टीचर्स जो है बहुत अच्छे तरीके से और अच्छी राइटिंग में जो है आपके टी एम ए बनाते हैं, उसके बाद जो है आपके डैशबोर्ड पर सबमिट करवा देते हैं। उसके लिए आप इस दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अगर आपको सर्विसेज ज्वाइन करनी है हमारी। ठीक है, जहाँ पे आपका फ्रंट पेज रहेगा, डिटेल्स, वहाँ पे आपके एनरोलमेंट नंबर, क्लास, मीडियम, सब्जेक्ट नेम, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं, जिससे अच्छे तरीके से जो है आपके टी एम ए क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को टी एम ए का फ्रंट पेज के लिए दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको टी एम ए का फ्रंट पेज भी मिल जाएगा ईजीली। आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आवर एच के एन आई ओ एस चैनल। सॉल्ट टी एम ए जिन बच्चों को चाहिए वो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके नॉमिनल सी फीस पे करके पीडीएफ लेके खुद से आप रेडी कर सकते हो। जिन बच्चों को हैंड रिटन चाहिए, यानी कि लिखी हुई फाइल चाहिए, कुछ भी करना ना पड़े, तो आप वो भी हमसे ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं आपको दे देती हूँ, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हो।
कॉन्टैक्ट नंबर जो है आप लोग नोट डाउन कर लो, 8250129920, ये HK NIOS इंफॉर्मेशन चैनल का नंबर है। यहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके आप TMA नोट्स वगैरह भी अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वहाँ से आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाएँ।